नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू बाजारे। धनतेरस की और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन आपने कुछ खास काम करने हैं जो आपको ज़रूर करने ही हैं, इनफैक्ट इसमें चूक नहीं करनी है। क्या काम है जो आपको धनतेरस के दिन ही करना चाहिए और दीपावली के दिन ही करने हैं? आगे पीछे आप बहुत सारे काम करते हैं, हम जानते हैं, सुबह से लेकर रात तक का काम ही काम करते हैं। कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, कभी दुकान का काम, कभी बिजनेस का काम, कभी बाहर घूमने फिरने जाने का काम, ये भी बहुत बड़ा काम ही होता है, मिलने मिलाने का काम, गिफ्ट बांटने का काम, तैयार होने का काम, शॉपिंग का काम, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक कुछ छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो आपने दीपावली के दिन भी करने हैं, जो आपने धनतेरस के दिन भी अपने घर के अंदर करने ही करने हैं। पहला काम होता है कि आपको सुबह सुबह नहा धो करके अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर सजा लेते हैं, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, फूल मालाएं टांग लेते हैं, लेकिन खुद नहीं नहाते हैं। खुद नहाएंगे नहीं, वो शाम को नहाएंगे, मां लक्ष्मी की पूजा करनी है शाम को। भाई, जिस चीज़ को आप टांगने जा रहे हो, जो चीज़ें लगाने जा रहे हो शुभता से, तो पहले आपने शुद्ध होकर के लगाई हैं, ये भूल जाते हैं। गंदे कपड़े पहने होंगे, पूरा दिन उसी में निकाल देंगे, फिर शाम को जा करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अपने मन को प्रसन्न कर लिया, आज हम तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पे फोटो सेशन करना होता है, अपने फोटोग्राफी करनी होती है, सेल्फी जो चलनी होती है। यहाँ पे ये देखिए रंगोली बनाई, इसकी सेल्फी, ये देखिए मेरे घर की सेल्फी, ये सेल्फी। लेकिन ये चीज़ें आप शाम को जा करके करते हैं, इवनिंग में जा करके करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो शुरुआत होती है, पहली शुरुआत, वो सुबह से हो जाती है शुरू। और इनफैक्ट आपको धनतेरस और दीपावली के दिन सबसे पहले उठ जाना चाहिए। जैसे आप कब उठते हैं, होली वाले दिन उठते हैं आप। होली वाले दिन देखिएगा आप, 6 बजे आपको आवाजें आ रही होती है बाहर ही, पानी गिरा दिया, किसी ने रंग गिरा दिए, हा हू करते हुए शोर मचाते हुए जाते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, क्योंकि वो आपने इंजॉय करना होता है। लेकिन ये पूजा भक्ति जो है धनतेरस और दीपावली की, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में। पूरा साल इसका असर आपके ऊपर रहता है, पूरा साल इसकी शुभता और शुद्धता आपके साथ बनी रहती है, पूरा साल आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, आपके घर में धन की बरसात होती है, अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो आप सोचिए, ये दो समय कितने इम्पोर्टेंट हो गए आपके लिए। सुबह सुबह उठ जाइएगा, नहा धो करके, अच्छे वस्त्र पहन करके, पूरे अच्छे से कॉम करके, तैयार हो करके, पूरा खुशनुमा माहौल बना करके, यानी अपने घर के अंदर फ्रेग्रेंस का यूज़ कीजिए, कैंडल्स का यूज़ कीजिए, आप खुशबूदार आप इत्र छिड़किए, आप फ्रेग्रेंसेस छिड़किए, फूलों की खुशबू कीजिए, ये काम कीजिए। और अपने ऊपर भी थोड़ा सा इत्र परफ्यूम लगाइए, आप इस दिन लगाइए, आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ खुशनुमा वातावरण होता है, साफ सुथरा शुभता और शुद्धता होती है। शाम को नहीं नहाना है, सुबह ही नहा लेना है, इस बात ध्यान रखिएगा। फिर आइए कि आपने अपने घर को सजाना तो है, लेकिन एंट्री पॉइंट सबसे पहले सजा दीजिए। आपने अपने घर के मुख्य द्वार को सजाना है अच्छे से, फूलों से सजाइए, या फिर जो भी आपने डेकोरेशन के पीसेस लाए हैं उनसे सजाइए, लेकिन हाँ, काले नीले रंगों का प्रयोग थोड़ा सा त्याग दीजिए। डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर, इनका प्रयोग आप ना करें एंट्रेंस पर। आप खुशनुमा वातावरण, ग्रीनिश, लाइट ब्लू, आसमानी कलर जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप गुलाबी रंग, रेड कलर, अब सूदिंग कलर्स जो होते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लगाते हैं तो आपका मन भी उनको देख करके शांत होता है। तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, और उनमें से भी एक चीज़ सबसे अच्छी होती है, अगर आप सजा सकें, आम के पत्तों का तोरण लगा दीजिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बहुत शुभ होता है, बहुत ही शुद्ध भी होता है, शुभ भी होता है। अगर आप ये तोरण लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है, जिसे हम बंधन भार भी कहते हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए। रंगोली बनाइए, ज़रूर बनानी चाहिए।
अब जरूरी नहीं इसमें बड़ा फाइन तरीका चाहिए होता है। हमने कहा ना कि जिस भाव में अगर के कमी रह जाती है ना, तो वहाँ आप चाहे 1000 चीज़ें रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भाव के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हमारे घर के अंदर ये शुभता आ रही है, ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़े नहीं, तनाव, अरे बंधनवार नहीं टंगा, लड़ाई कर देंगे उसी बात से। आपको पता नहीं था कील लगाना था, आपको पता नहीं था कील यहाँ क्यों लगा दिया, आपको पता नहीं कील नीचे गिर गया, ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, दूर रहती हैं, बहुत दूर रहती हैं, क्यों कोसों दूर रहती हैं, तो लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो आप? नहीं कील लगेगा, दूसरे तरीके से लग जाएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, नाइसली अपने घर को सजाइएगा। और सुखों से तो खुशियों से तो पहले सजाइए ना, यानी खुशी का वातावरण जो है अपने घर के अंदर जरूर रखिए। रंगोली, माँ के पांव जो होते हैं, पैर, माँ लक्ष्मी के चरण जिसे हम कहते हैं, वो जरूर बनाने चाहिए। और बहुत ही आसान तरीका भी होता है, महिलाओं को तो ये टेक्निक्स बड़ी आती हैं, और आजकल तो वैसे भी यूट्यूब ने तो खूब सारा कमाल कर रखा है, सीख लीजिए कि कैसे बनाने हैं अपने पांव बनाइए, माँ लक्ष्मी के पांव बनाइए, और वो पांव आपके घर की तरफ डायरेक्शन अंदर जाते हुए होने चाहिए। पांव ऐसी जगह बनाइए जहाँ आपका पांव ना पड़ता हो, यानी साइड कॉर्नर्स पे बनाइए। उसके बाद आपने अंदर चले जाइए, अपने घर के अंदर जाइए, अब सजाइए चीज़ों को अच्छे से, अपने घर को डेकोरेट कीजिए। लक्ष्मी के पैर वहाँ वहाँ तक भी बना सकते हैं जहाँ आपका घर का मंदिर है। और अगर मान लीजिए आपने स्टिकर हैं, बहुत सारे लोग स्टिकर लगा देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बनी बनाई चीज़ें आती हैं उसको लगाते हैं, हाँ लगा दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी स्टिकर लगे हुए हैं उनके ऊपर आपने एक एक रोली का, लाल रंग की रोली का तिलक कर दीजिए उनके चरणों पर, आपको उतना ही फल मिलेगा। कई बार नहीं बना सकते हैं तो स्टिकर लगा देते हैं, तो क्या स्टिकर लगाने वाले के घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती? ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, भाव मत आप कम कीजिएगा, आप अपने भाव अच्छे रखिए, आप अपने अंदर शुभता शुद्धता रखिए, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ों को जो है तैयार करना शुरू कर दिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि घर के अंदर कहीं आपके कॉर्नर्स गंदे ना रहे हों, वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ सफाई ज़रूर कर लीजिए, जो छोटी मोटी आपको लगता है कि क्लीनिंग कर सकते हैं वो कर दीजिए। घर का मंदिर ज़रूर साफ सुथरा रखिए, सजाइए। घर के अंदर तामसिक भोजन ना बनाइए आज के दिन, ना बाहर से लाइए। हमने घर नहीं बनाया जी, हमने बाहर से लेकर आए थे, तो लाए तो उसी घर के अंदर से जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होनी है। यूट्यूब की मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है आपने, कि पूजा का मुहूर्त, आपने सही तरीका, कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है, ऐसी चीज़ों को भी आपने ज़रूर देखना है। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि ये चीज़ें करनी ही करनी है आपको, सुबह सुबह उठते ही आपने क्या करना है, तो तैयार होना है अच्छे से, घर की मुख्य दरवाज़ा दहलीज सजानी है, घर के अंदर आप कोई हैप्पी मोमेंट के सॉन्ग्स, म्यूज़िक या इस तरीके के मंत्र चैंट जो होते हैं वो आप लगाइए, ताकि जिससे आपका घर के अंदर का वातावरण वो बहुत शांत रहे और सुखनुमा रहे। तो ऐसी चीज़ें करने से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बनती है। तामसिक चीज़ों से दूर रखिएगा, लड़ाई कले कलेश से दूर रहिएगा, कोई झगड़ा नहीं कीजिए, वाद विवाद नहीं कीजिए, चाहे ना घर के अंदर ना आस पड़ोस में। छोटी छोटी बातों को लेकर के किचकिच करने से क्या होता है, आपके घर में एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है। सूदिंग एटमॉस्फेयर बनाइएगा, कपूर को आप जलाइएगा, अपने घर के अंदर पूरा खुशनुमा वातावरण बनाइएगा। ये सारी चीज़ें आपने दीपावली और धनतेरस के दिन करनी ही करनी है। पूजा कब करनी है, अपने उनके मुहूर्त क्या होंगे, खरीदारी कब करनी है उनके मुहूर्त का, तो ये सारी वीडियोस हम डाल चुके हैं, आप इन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो एक क्रिएट करना है आपने, सूदिंग एटमॉस्फेयर अपने घर के अंदर का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने दोनों दिन ये एटमॉस्फेयर ज़रूर क्रिएट करना है। पूजा भक्ति खुशनुमा माहौल अपने घर के अंदर ज़रूर बनाना है। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि खास समय, खास तरीका, खास चीज़ें आपके घर में कौन सी होनी चाहिए जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहे, धन कुबेर हमेशा मेहरबान रहे, आप सुरक्षित भी रहें, आप स्वस्थ भी रहें और खुशहाल भी रहें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।